हेलो दोस्तों, तो एक नई वीडियो। आज का टॉपिक होने वाला है PSL के रिलेटेड। आप सबको पता है कि PSL जो है अपने बिजी एरिया में चला गया है और कुछ मैचेस PSL के बाकी है जो लीग मैचेस है। फिर उसके बाद प्लेऑफ का सेशन स्टार्ट होगा और बड़े इंटरेस्टिंग मैचेस होंगे प्लेऑफ्स के लिए। आप सबको पता है कि मुल्तान सुल्तान टॉप ऑफ द टेबल है और जो पाँच ओवर प्लेऑफ्स के लिए ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हैं, लेकिन पिशावर, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची और कोयटा ये अभी भी प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई नहीं किए। इनमें से कोई तीन टीमें प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करेगी और ये टेबल और पॉइंट्स टेबल इन्हें काफ़ी इंटरेस्टिंग मलाहम में दाखिल हो गया है। कल का मैच भी बारिश की नज़र हो गया था बिटवीन मुल्तान सुल्तान और कोयटा ग्लैडिएटर्स। कोयटा ग्लैडिएटर्स को कल का मैच खामखा जीतना था। अपनी अगर वो जगह बचानी थी उनको पॉइंट्स टेबल पे, तो कल का मैच वो खामखा जीतना था, लेकिन कल बारिश हो गई है और जिसकी वजह से मुल्तान को भी एक पॉइंट मिला और साथ ही साथ कोयटा को भी एक पॉइंट मिला। अब जो मैच की सूरत हाल ये है कि आज जो मैच खेला जाएगा बिटवीन लाहौर कलंदर्स एंड कराची किंग्स, अगर लाहौर कलंदर्स ने आज कराची किंग्स को दोबारा हारा दिया जो मैच कराची में खेला जाएगा, तो लाहौर कलंदर जो है वो सेकेंड टेबल पर आ जाएगी, ठीक है। और फिर जो हालात ख़राब हो जाएंगे ना पेशावर जलमी के, कराची किंग्स के, इस्लामाबाद यूनाइटेड के, साथ ही साथ कोयटा ग्लैडिएटर्स के हालात बहुत ख़राब हो जाएंगे। इस्लामाबाद का भी एक मैच रहता है, पेशावर का भी एक मैच रहता है और साथ साथ फिर उनके मैच जो है तीन दो और रहते होंगे जिसके नाम है कराची किंग्स के पास अभी भी चांस है, स्लाइडली अहेड चांस है, क्योंकि कराची किंग्स अगर उनके तीन मैचेज अगर तीन में से एक मैच हारती है ना तो उनको अपने दोनों के दोनों मैचेज जीतने पड़ेंगे, ठीक है। और पेशावर जलमी का भी एक मैच है, पेशावर जलमी के भी 9 पॉइंट है। और यार मैं कहता हूँ लाहौर कलंदर अभी बहुत एडवांटेज में, अगर लाहौर कलंदर ने आज अपना मैच जीत लिया तो लाहौर कलंदर टॉप 2 नंबर पे आ जाएगी। लाहौर कलंदर के हो जाएंगे अराउंड 9 पॉइंट्स और 10 पॉइंट्स हो जाएंगे और लाहौर कलंदर का नेट रन रेट यार माइंड ब्लोइंग है। इस्लामाबाद का भी नेट रन खराब है, पेशावर का भी नेट रन खराब है और साथ ही साथ कोयटा का भी नेट रन खराब है, तो ये सूरत हाल है। और आज से जो मैच स्टार्ट हो रहे हैं वो कराची नेशनल स्टेडियम में खेले जाएंगे। 12 तारीख से लेकर 17 तारीख तक नेशनल स्टेडियम में मैचेस खेले जाएंगे और नेशनल स्टेडियम में बिल्कुल बारिश नहीं हुई और मैं चाहता हूँ कि पूरा का पूरा हाउस फुल हो, क्योंकि अब जो मैचेस है ना सब के सब जो है क्वार्टर फाइनल हो गए हैं। फिर क्वार्टर फाइनल्स होंगे, फिर उसके बाद सेमीफाइनल्स होंगे, जो पहला प्लेऑफ होगा मेगा फाइनल लाहौर में खेला जाएगा और कराची में खाली एक क्वालिफायर खेला जाएगा जो पहला क्वालिफायर होगा और वो सारे मैचेस पे लाहौर में खेले जाएंगे। तो सीरियसली काफ़ी अच्छी गेम ऑफ क्रिकेट देखने को मिलेगी, क्योंकि डे वन से PSL अच्छा स्टार्ट हुआ और डे फाइनल तक PSL अच्छा ही होगा, क्योंकि PSL में इस दफ़ा की काफ़ी अच्छी क्रिकेट हुई। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें काफ़ी अच्छे बॉलर देखने को मिले, कराची इस्लामाबाद में पिंडी में इतनी बारिश हुई लेकिन एक मैच भी ख़राब नहीं हुआ। मैच ख़राब हुए लेकिन वो बारिश की नज़र हो गए, उसके ओवर्स कम हो गए, लेकिन मैच पूरा हुआ। लेकिन दो मैचेस रावलपिंडी में, दो मैचेस लाहौर में ख़राब हुए, साथ ही साथ फिर एक और मैच भी ख़राब हुआ बारिश की नज़र। बारिश ने काफ़ी PSL को डिस्टर्ब किया, लेकिन मैचेस अच्छे हुए, कॉम्पिटेंट मैचेस हुए और काफ़ी अच्छे गेम ऑफ क्रिकेट देखने को मिली। सबसे पहले यार लाहौर मुल्तान सुल्तान की परफॉर्मेंस क्या अच्छी थी, उनको कप्तान का नंबर वन परफॉर्मेंस। फिर उसके बाद लाहौर कलंदर्स का कम बैक, इस्लामाबाद, पेशावर और कोयटा का डाउनफॉल, लाहौर कोयटा ग्लैडिएटर्स डिफेंडिंग चैम्पियन उनकी रिडिकुलस परफॉर्मेंस, बैक टू बैक चार गेम हार गए उनकी जो लास्ट 5 गेमें हैं ना उनमें आता हूँ, कोयटा ग्लैडिएटर्स की एक गेम आ रही, फिर दूसरी गेम आ रही, तीसरी गेम आ रही, चौथी गेम आ रही और पांचवी जो हुई वॉश आउट हो गई। लाहौर कलंदर्स की लास्ट 5 गेमें बताता हूँ, जीते हारे, जीते जीते जीते, पेशावर जलमी के बताता हूँ, जीते वॉश आउट, जीते हारे हारे पेशावर जलमी की, और बताता हूँ इस्लामाबाद की जीते हारे हारे जीते जीते, इस्लामाबाद की स्ट्रीक बता रहा हूँ। सीरियसली काफ़ी अच्छी, और सबसे जो लकी टीम है ना मुल्तान सुल्तान कराची के खिलाफ हार रही थी लाहौर में, लेकिन बारिश हो गई और मुल्तान सुल्तान को एक पॉइंट मिल गया। मुल्तान सुल्तान वाइट टीम है जिसने गेम से काफ़ी कम हारी और वॉश आउट भी कम हुए। और PSL जो है ना PSL 2020 इस बात पर भी काफ़ी ही खुशकिस्मत है और काफ़ी लकी है ना कि जो कोरोना वायरस के जो वाकियात अभी सामने आ रहे हैं ना, तो PSL काफ़ी लकी है, क्योंकि बहुत सारे मुल्कों ने बाहर मुल्की जो प्लेयर्स हैं, बाहर मुल्की जो लोग आते हैं उनको आना बंद करती, लेकिन PSL आपको पता है 20 तारीख से स्टार्ट हुआ, कोरोना वायरस के वाकियात हुए 10 दिन पहले स्टार्ट हुए, तो PSL इसके लिए बहुत लकी है, क्योंकि अगर इस तरह के हालात है तो शायद फॉरन प्लेयर्स पाकिस्तान ना आते, जिससे PSL को भी बड़ा काफ़ी इफेक्ट होता हो। ये भी क्योंकि PSL फॉर द फर्स्ट टाइम एवर पाकिस्तान में हो रही है,
वो बोलते हैं ना, जिनकी नीयतें अच्छी हो ना उनके साथ अल्लाह भी होता है। देखिए पाकिस्तान की नीयत अच्छी थी, पाकिस्तान के लोगों की नीयत अच्छी थी, पाकिस्तान के फ्रेंचाइज ओनर्स की नीयत अच्छी थी कि सारे फॉरेन प्लेयर्स आए और पाकिस्तान में वो PSL खेल रहे हैं, और खैर खैर या फिर सारे मैचेस हो रहे हैं और अराउंड 25 मैचेस हो गए हैं और 25 9 से 10 मैचेस बाकी है, और खैर खैरियत से मैचेस ये भी हो जाएंगे। अब जो मैचेस है कराची में खेले जाएंगे, फिर कुछ मैचेस लाहौर में खेले जाएंगे और फाइनल भी लाहौर में खेला जाएगा 22 मार्च को। काफ़ी अच्छी गेम ऑफ क्रिकेट देखने को मिली, और सीधी सीधी बात, सब अंपायरिंग भी अच्छी थी, ब्रॉडकास्टिंग भी अच्छी थी। यार आप चीज़ जितनी भी अच्छी कर लो, जितनी भी अच्छी कर लो, आप जो है ना कि कॉपी टू कॉपी दूसरे मुल्क से कर लो, पैसों में भी, हर चीज़ में, हर चीज़ में कभी ना किसी न किसी चीज़ में कोई ना कोई चीज़ नुक्स रहता ही रहता है। मिसाल के तौर पर S20 जो नया मोबाइल आया है उसमें कितना भी अच्छे कैमरा उसका जितना भी जूम करता है, लेकिन उसके कैमरे को पकड़े ना तो उसमें बम्प एक नज़र आता है, बम्प कि ऐसा लगता है कि लेंस अलग है और मोबाइल अलग है, तो कुछ ना कुछ फॉल्ट होती है। तो कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती, इसका मतलब कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। अगर PSL में इस साल कोई फ्लॉ आया रहे ना, अगली दफ़ा BCB कहेगा कि हम इसमें काम करते, इसको हम सुधारना चाहते हैं, लेकिन फिर उस पर कुछ ना कुछ फॉल्ट आएगा, कुछ ना कुछ होता है। तो यार इन चीज़ों को इग्नोर करो, हमें अच्छी गेम और क्रिकेट देखने को मिली, हमें अच्छी परफॉर्मेंस देखी, पाकिस्तानी प्लेयर्स, फॉरेन प्लेयर्स, बॉलर्स, सबसे पहले हमें जो है यूट्यूब पे भी लाइव स्ट्रीमिंग देखने को मिली, साथ ही साथ हमने ग्राउंड में 4 वेन्यूज़ पे हो, ये नहीं खेला, और कराची में हो, पिंडी में भी हुए, मुल्तान में भी हुए, अगले साल शायद मुल्तान में और ज़्यादा अच्छी गेम्स हो और अच्छी गेम ऑफ क्रिकेट देखने को मिली, तो बहुत अच्छा हुआ PSL। लेकिन इस दफ़ा क्वेटा ग्लेडिएटर्स और इस्लामाबाद की परफॉर्मेंस बहुत मायूस कन रही, क्योंकि क्वेटा ग्लेडिएटर्स तो समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, और इस्लामाबाद यूनाइटेड वाले पता नहीं कर रहे, इस्लामाबाद के पास कोई अच्छे बॉलर्स नहीं है, इस्लामाबाद के फॉरेन प्लेयर्स परफॉर्म कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हो कि बैटिंग टॉप चल रही है लेकिन उनके बॉलर्स परफॉर्म नहीं कर रहे, क्वेटा ग्लेडियर्स की बॉलिंग चल रही है लेकिन उनके फॉरेन प्लेयर्स परफॉर्म नहीं कर रहे, कुछ ना कुछ हो रहा है। लेकिन आज की वीडियो में इतना ही, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मुझे इतना सपोर्ट करते रहे कि मैं आप लोग के लिए डेली क्रिकेट न्यूज़, क्रिकेट ओपिनियन या कुछ ना कुछ हम इस चैनल पर लाते रहे। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।